धेय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक उद्घोषणा के जरिए किया गया था। दूसरा, बिम्स्टेक का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तीसरा, बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी एक और तीन, सी दो और तीन, या फिर डी एक दो और तीन? इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। बिम्स्टेक अभी सुर्खियों में है क्योंकि भारत के विदेश सचिव ने हाल ही में कहा है कि बिम्स्टेक सदस्य देशों द्वारा $55.2 बिलियन मूल्य के रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। बिम्स्टेक देश इस समय मजबूत कनेक्टिविटी अथवा ट्रांसपोर्ट लिंक को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसी कड़ी में बिम्स्टेक देश मोटर व्हीकल एग्रीमेंट और कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने में लगे हैं। भारत की अध्यक्षता वाले एक्सपर्ट ग्रुप ने ही पिछले साल बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को फाइनल रूप दिया था। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हम बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं, एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जिसके 7 सदस्य देशों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं, और 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है, न कि काठमांडू में। और अभी तक बिम्स्टेक सदस्य देशों ने FTA को लेकर वार्ता भर की है, इस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। उत्तर पूर्वी भारत में कारबोंग जनजाति के विलुप्त होने के अंतिम चरण में होने की रिपोर्ट हाल ही में आई है। यह जनजाति किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य की है? ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, या फिर डी मणिपुर। इसका उत्तर है सी, यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा में हलम समुदाय की एक उप जनजाति कारबोंग अब विलुप्त होने के कगार पर है। जनजातीय विशेषज्ञों की रिपोर्ट में हाल ही में बताया गया है कि इस जनजाति के केवल 250 लोग बचे हैं जो पश्चिमी त्रिपुरा और धलाई जिलों में रहते हैं। उप जनजाति के विशेषज्ञ हरिहर देवनाथ का कहना है कि माणिक के शासकों ने कारबोंग लोगों को शिक्षित करने और उनके लिए शिक्षकों की व्यवस्था करने की कोशिश भी की थी, लेकिन यह सफल साबित नहीं हुआ। 60 से 70 परिवारों के मुश्किल से 250 लोग कारबोंग जनजाति के बचे हैं। अंतरजातीय विवाह, गरीबी और उचित शिक्षा की कमी के कारण इनकी आबादी तेजी से घट रही है। अन्य सभी जनजातियों से अलग भाषा होने के बावजूद कारबोंग को एक उप जनजाति माना जाता है, इसलिए भारत की जनगणना उन्हें अलग से नहीं गिनती है। 1940 की गजट अधिसूचना के अनुसार त्रिपुरा में 19 आदिवासी समूह हैं, जिनमें कारबोंग समुदाय को हलम में शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही में उन्हें केंद्र द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। लुप्त प्राय कारबोंग अपनी भाषा के माध्यम से अन्य स्वदेशी आदिवासी समूहों से खुद को अलग करते हैं, जो त्रिपुरा के अधिकांश आदिवासी समूहों की भाषा ओक बोरोक से अलग है और ये सभी हिंदू धर्म को मानते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। सिल्वर फॉरगेट मी नॉट बटरफ्लाई की उपस्थिति पहली बार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में दर्ज की गई है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, या फिर डी कर्नाटका। इसका उत्तर है सी, यानी तमिलनाडु। सिल्वर फॉरगेट मी नॉट बटरफ्लाई की उपस्थिति हाल ही में पहली बार तमिलनाडु के श्री विल्ली पुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है और इस नई प्रजाति के साथ अब तमिलनाडु में तितलियों की कुल 318 रिकॉर्डेड स्पीसीज हो गई हैं। इसे तमिलनाडु के श्री विल्ली पुथूर ग्रिजल्ड स्क्विरल सेंचुरी और अय्यनार जलप्रपात क्षेत्र में भी देखा गया है। इसके पहले यह तितली 2019 में केरल के चिन्नार, 2015 और 17 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 2005 और 2020 में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी देखी जा चुकी है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी हाल ही में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को दी गई है। दूसरा ऑप्शन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स अक्टूबर 2021 से भारत के 100 गांवों की कल्चरल मैपिंग से जुड़े प्रायोगिक परीक्षण को शुरू कर रहा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो।
इसका उत्तर है ए, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए अब यह जिम्मेदारी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को दी गई है, जो अक्टूबर 2021 से ही भारत के 75 गांवों में, न कि 100 गांवों में, कल्चरल मैपिंग से जुड़ा प्रायोगिक परीक्षण शुरू कर रहा है। कल्चरल मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत गांवों के फोक आर्ट्स और धरोहरों की मैपिंग से जुड़ा डेटाबेस निर्मित किया जाएगा और यह कार्य अगले 5 वर्षों तक चलेगा। इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन के वॉलंटियर्स की टीम, नेशनल सर्विस स्कीम से जुड़े लोग, समाजशास्त्र और समाज कार्य से जुड़े छात्रों को गांवों में भेजा जाएगा और वे गांवों के आर्ट फॉर्म्स यानी कलाओं के भिन्न भिन्न रूपों और धरोहरों से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे और इस क्रम में प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश में एक गांव का चयन किया जा रहा है और ऐसे गांव का भी चयन किया जा रहा है जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के भाग रहे हैं। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट पर 89 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है और IGNCA का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2021-22 तक भारत के 5000 गांवों की पूर्ण कल्चरल मैपिंग को अंजाम दिया जा सके। यह 5 वर्षीय परियोजना है जिस पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने गतिशीलता के साथ काम करना शुरू कर दिया है और इस कल्चरल मैपिंग मिशन के तहत कलाकारों को आर्ट फॉर्म्स और संगठनों के अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अभी तक 14.53 लाख कलाकारों को नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। वर्ष 2017 में संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की थी और अब इसका संचालन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दी आर्ट्स कर रहा है। इसमें डेटा मानचित्रण, जनसांख्यिकी निर्माण प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देना और बेहतर परिणामों के लिए सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को एक छत्र के नीचे लाने की बात है। इस अभियान की शुरुआत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत की गई है और अब इसका संचालन IGNCA कर रहा है। भारतीय गांवों की कल्चरल मैपिंग के क्रम में सांस्कृतिक संपत्ति और संसाधनों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं आज के अंतिम सवाल की, यानी 5वें सवाल की। कोकिलाबारी सीड फॉर्म, जो अति संकटापन्न बंगाल फ्लोरिकन का आदर्श निवास स्थान है, कहाँ स्थित है? ए, पश्चिम बंगाल, बी, उड़ीसा, सी, असम या फिर डी, त्रिपुरा। इसका उत्तर है सी। IUCN ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे एक लेटर में निवेदन किया है कि असम स्थित कोकिलाबारी सीड फॉर्म, जो कि बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए स्वर्गस्थल जैसा है, उसको संरक्षण दिया जाए। IUCN ने कहा है कि कोकिलाबारी सीड फॉर्म को असम सरकार द्वारा एक कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाना चाहिए। यह सीड फॉर्म मानस नेशनल पार्क के निकट ही स्थित है और राज्य सरकार यानी असम ने यहाँ पर एक विश्वविद्यालय गठित करने के साथ साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का फैसला लिया है और जिसके चलते IUCN को लगता है कि बंगाल फ्लोरिकन पक्षी यहाँ पर खतरे में पड़ जाएंगे। मात्र 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले कोकिलाबारी सीड फॉर्म में 25 बंगाल फ्लोरिकन रहते हैं और 850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले मानस नेशनल पार्क में 33 बंगाल फ्लोरिकन हैं, यानी कुल 58 बंगाल फ्लोरिकन के साथ साथ मानस कोकिलाबारी पृथ्वी पर बंगाल फ्लोरिकन पक्षी के 3 सबसे बड़े हॉटस्पॉट के रूप में है। इसके अलावा यह अरुणाचल प्रदेश के डी एरिंग अभयारण्य में 100 और नेपाल के कोशी टप्पू में भी 100 की संख्या में पाया जाता है। हाल ही में कई बंगाल फ्लोरिकन पक्षी अभी डेइंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य में देखे गए हैं। IUCN ने इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में घोषित किया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये शेड्यूल 1 स्पीसीज हैं। ये अपने मेटिंग डांस के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यह ग्रासलैंड स्पीसीज है और भारत में मुख्यतः दुधवा, किशनपुर और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, असम के मानस, ओरंग और काजीरंगा, अरुणाचल के डेइंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य और पश्चिम बंगाल के जलतपारा नेशनल पार्क में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये केवल भारत और नेपाल और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वियतनाम और कंबोडिया में पाया जाता है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए और इस प्रोग्राम के बारे में आपके जो भी विचार हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।